कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Vivo Y33T। आज इस वीडियो में इस फोन का वाटर टेस्ट करेंगे और देखेंगे ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है कि नहीं। ब्रांड उसके ऑफिशियल साइट में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ये फोन वाटर रेजिस्टेंस है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये खुद के ही रिस्क से बना रहा हूँ और ये जो फोन है खुद का ही पैसा डाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो जेन्युइन वीडियो है, कोई भी पेड रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। खैर, सबसे पहले कुछ टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कैमरा सैंपल खींचते हैं और यहाँ पे बैक कैमरा सैंपल खींचते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, बाहर में बारिश हो रहा है तो थोड़ा नॉइज आ सकता है। खैर, यहाँ पे आप लोग लीजिए, कैमरा सैंपल बढ़िया है, कैमरा में कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, फिंगरप्रिंट भी बढ़िया काम कर रहा है और फेस अनलॉक भी हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। फेस अनलॉक भी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। चार्जिंग टेस्ट, हेडफोन टेस्ट वगैरह मैं आप लोगों को वाटर टेस्ट के बाद ही बताऊंगा। तो चलो, फोन को अब लोग यहाँ पे रख देंगे, अब लोग नहीं, मैं ही रखूंगा। और यहाँ पे पानी को गिराते हैं और देखते हैं फोन टिक पाता है कि नहीं वाटर टेस्ट के बाद। तो पानी को मैं गिरा चुका हूँ और यहाँ पे स्टॉपवॉच को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक मिनट तक मैं यहाँ पे पानी के अंदर इस फोन को रखूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है, तो इस बात में सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब जरूर करना। और देखिए, बबल्स आ रहा है, मतलब पानी फोन के अंदर पानी जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बबल्स आ रहा है, मतलब भर भर के पानी जा रहा है। खैर, देखेंगे ये फोन टिक पाता है कि नहीं। और इसी बात में लाइक कर दिया करो। 30 सेकंड होने के बाद हम लोग फोन को पलट देंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर टेस्ट के साथ हम लोग पलट देते हैं और देखते हैं किस किस तरीके से रखा जाए और उस तरीके से पानी अंदर जाता है। खैर, यहाँ पे एक मिनट के बाद हम लोग फोन को पानी से बाहर निकालेंगे, अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। अगर आपके फोन पानी में गिर जाता है, अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया करो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है पानी के अंदर, और पानी के अंदर कोई भी काम नहीं करता है, कोई भी फोन काम नहीं करता है। खैर, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट हो चुका है और यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग सेक कर लेंगे। सबसे पहले ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेक वगैरह करके अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। तो चलो, और मैं आप लोगों को टेस्ट करने के लिए सिर्फ स्विच ऑफ नहीं किया हूं, वरना अगर आपके फोन पानी में गिर जाता है तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर लिया करो। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखिए, फिंगरप्रिंट सेंसर काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे फेस अनलॉक को भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, फेस अनलॉक भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। कैमरा, यहाँ पे कैमरा सैंपल और यहाँ पे सेल्फी कैमरा सैंपल, मैं आप लोगों को बता दूं कैमरा सैंपल बढ़िया है, कैमरा में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्लोजली देख लीजिए, कैमरा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम लोग साउंड टेस्ट करेंगे, देखेंगे साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलो, स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हेडफोन जैक लगाते हैं और मैं आप लोगों को सुनाता हूं हेडफोन में कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, हेडफोन जैक में साउंड आता है कि नहीं। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हेडफोन में शानदार आवाज आ रहा है। तो हेडफोन जैक में भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दिया। और टच इशू भी नहीं है यहाँ पे, अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, स्मूथनेस है और काफी अच्छी तरीके से टच वगैरह हो रहा है, तो टच इशू भी बिल्कुल भी नहीं है। खैर, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोगों को डिटेल रिव्यू में बताऊंगा, अभी के लिए तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, स्पीकर काफी अच्छा है, कैमरा काफी अच्छा है, फिंगरप्रिंट वगैरह अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो वाटर टेस्ट में ये फोन अच्छी तरीके से सर्वाइव कर गया। खैर, रिव्यू में मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।